नमस्कार, सरल संस्कृत व्याकरण अध्ययन में आप सबका स्वागत है। आज एक बहुत सरल सूत्र लेके आया हूँ। सूत्र है षष्ठी स्थाने योगा। यह सूत्र पहले अध्याय के पहले पाद का 49 नंबर का सूत्र है। इससे पहले हम 48 सूत्र पढ़ चुके हैं और यह भी एक परिभाषा सूत्र है। परिभाषा सूत्र का क्या तात्पर्य होता है? जहां पर कोई अनियम की उपस्थिति हो, अनियम की स्थिति हो जाए, उस जगह पर कुछ विशेष नियम कर दिया जाना ही परिभाषा का लक्षण है। तो जैसे अब देखिए, यहां एक उदाहरण मैं यहां दे रहा हूं, उस उदाहरण से इस विषय को स्पष्ट करूंगा। उदाहरण आप ले लीजिए, ये अस्तेर भूह, ये एक उदाहरण है। अस्तेर भूह, इस उदाहरण में ऐसी स्थिति हो, ऐसा प्रश्न उठने लगेगा कि ये जो भू करना है, ये अस्थि के आगे करना है या अस्थि के पीछे करना है या अस्थि के स्थान पर करना है। ऐसी अनियमितता उपस्थित हुई कि ये जो अस्थि को भू करने को कह रहे हैं, अस्थि को भू करो, तो क्या ये अस्थि के पीछे आकर बैठेगा भू, या अस्थि के पहले आके बैठेगा, या अस्थि के स्थान पर आएगा? ऐसी अनियमितता स्थिति में इसके ये कहेगा कि स्थाने योगा, यहाँ इसके स्थान पर हो, ऐसा ये तात्पर्य होगा। वो कैसे होगा वो यहाँ से देख लेते हैं। षष्ठी यानी इस षष्ठी का मतलब क्या है? व्याकरण वाङ्मय में ऐसी षष्ठी विभक्ति जिसका कि कोई योग निश्चित नहीं है, यानी कि उस षष्ठी विभक्ति का कोई विशिष्ट अन्य अर्थ निश्चित नहीं है, वह षष्ठी विभक्ति स्थाने योगा होती है, यानी स्थान के साथ संबद्ध होती है, उसका संबंध स्थान के साथ होता है। और संक्षेप में इस सूत्र का अर्थ क्या है? सूत्र बहुत ही सरल है और उदाहरण से एकदम से स्पष्ट हो जाएगा, इसलिए ज्यादा समय भी इसमें नहीं लगेगा। संक्षेप में इस सूत्र का अर्थ क्या है कि पूरे व्याकरण वाङ्मय में जिस षष्ठी विभक्ति का कोई अन्य विशेष अर्थ निर्दिष्ट ना हो, यानी कि ऐसी षष्ठी विभक्ति जिसका पाणिनि जी ने अपने सूत्रों के द्वारा कुछ विशेष अर्थ निर्दिष्ट न किया हो, यानी कहीं कहीं षष्ठी होती है अलग अलग अर्थ में होती है, कई अर्थ हैं वो भी मैं आगे के पेज में आपको दिखा रहा हूं, तो उस वो अलग अलग अर्थ षष्ठी विभक्ति के निर्दिष्ट ना हो, यानी उसका अर्थ कोई विशेष निर्दिष्ट ना हो, उसका किसी दूसरे के साथ संबंध ना होता हो, तो उस षष्ठी विभक्ति के अर्थ में स्थाने ऐसा जोड़ देना चाहिए। अर्थ करते समय आपको स्थाने ऐसा जोड़ देना है। देखिए, अस्तेह भू इको यणची इत्यादि षष्ठी निर्दिष्ट सूत्र हैं। अब ये दो उदाहरण हैं, इन दोनों उदाहरणों में कैसे यह सूत्र गठित होता है वह देख लेते हैं। अस्तेर भू, अस्तेह यह षष्ठी विभक्ति का एक वचन है, षष्ठी विभक्ति का यहां निर्देश किया गया है। अस्तेह भू में जो अस्तेह में षष्ठी आपको दिख रही है, वह षष्ठी क्या कहेगी कि अस्तेह स्थाने भूहु इत्ययम आदेशो भवति। अस्तेह यहां अगर इसका अर्थ निकालना है तो अस्तेह स्थाने, ऐसा स्थाने इसमें जोड़ देना है, षष्ठी स्थाने योगा, स्थाने ऐसा योग कर देना है, तो अर्थ क्या होगा? अस्तेह स्थाने भूहु इत्ययम आदेशो भवति, अस्ति के स्थान पर भू ऐसा आदेश होता है। इसी तरह इको यणची भी देख लेते हैं। इको यणची में आप देखेंगे तो इका हमें षष्ठी विभक्ति है, इक शब्द का षष्ठी एक वचन इकह, इक इको इकह, इकम इको इकह, इका इग्भ्याम इग्भी, इके इको इक के इग्भ्याम इग्भ्या, इकह इग्भ्याम इग्भ्या, इकह इकोह इकाम, यहां जो षष्ठी में इकह आपको दिख रहा है वह इकह का ही संधि होकर इको हो गया, इकह यणाची। यहां जो इकह में आपको षष्ठी दिख रही है उसका अर्थ यदि आप निकालने जाएंगे तो क्या जोड़ना पड़ेगा? स्थाने ऐसा जोड़ देना पड़ेगा, तो इकह स्थाने यण ऐसा अर्थ निकलेगा। अब ये अची में जो सप्तमी है वो आगे के हम ये जो सप्तमी निर्देश वाला सूत्र है तस्मिन् निर्ते निर्दिष्टे पूर्वस्य, उस सूत्र में हम देखेंगे, लेकिन यहाँ षष्ठी निर्देश वाला षष्ठी विभक्ति का क्या अर्थ होता है व्याकरण वाङ्मय में वो देख रहे हैं। तो इकह में जो षष्ठी विभक्ति लग रही है उसका अर्थ हो जाएगा स्थाने, यहाँ पर एक स्थाने जोड़ देना पड़ेगा, इसलिए आप वृत्ति पढ़ेंगे इस सूत्र की तो इकह स्थाने यण स्यात् अचि, बस यही देखिए स्थाने जुड़ गया कि नहीं, इकह स्थाने यण स्यात् अचि, यही चीज है।
यानी कि कहीं भी ऐसी सृष्टि विभक्ति है जिसका कोई अन्य अर्थ निश्चित नहीं है, तो वहां पर स्थाने ऐसा जोड़ देना अर्थ निकालते समय। उदाहरण इसके हैं भविता, भवितुम, भवितव्यम, मध्वरी ही, पितरर्थम, लाकृति इत्यादि। ये जो छह उदाहरण है, ये छह उदाहरण मैं आगे की स्लाइड्स में सिद्ध करूंगा, तो इससे इसका षष्ठी स्थाने योगा का विषय स्पष्ट हो जाएगा। अब इसमें प्रथमावृत्ति में ब्रह्मदत्त जिज्ञासु जी कहते हैं षष्ठी स्थाने योगा सूत्र के विषय में, षष्ठी यहाँ प्रथमा एकवचन है, स्थाने योगा में भी प्रथमा एकवचन है। अब देखिए स्थाने योगो अस्याहा, मतलब जिसका योग स्थाने के साथ है ऐसी षष्ठी होती है, सेयम स्थाने योगा षष्ठी। अब यहां देखिए स्थाने में जो ए है उसका लोप नहीं हुआ, विभक्ति का लोप नहीं हुआ है, अलुक रह गया है, निपातनात् सूत्र में स्थित है इसलिए मान लिया गया है कि निपातनात् यहां सप्तमी का अलुक हो गया है, तो स्थाने योगा ऐसा ही रहेगा। अब स्थान के साथ जिसका योग है ऐसी षष्ठी, ये अर्थ हमको लेना है। अर्थ क्या होगा, अस्मिन् शास्त्रे अनियत योगा अनियत संबंधा षष्ठी स्थाने योगा मंतव्या। इस शास्त्र में, इस व्याकरण शास्त्र में कहीं भी ऐसी षष्ठी है, कैसी षष्ठी है, अनियत योगा षष्ठी है, यानी जिसका योग निश्चित नहीं है ऐसी षष्ठी हो, जिसका संबंध निश्चित नहीं है, नियमित नहीं है ऐसी षष्ठी हो, तो वह स्थाने योगा मंतव्या, उसके साथ स्थाने ऐसा योग जोड़ देना है, ऐसा मानना है, स्थाने ऐसा योग जोड़ना माना गया है। उदाहरण वही ये दे रहे हैं, भविता, भवितुम, भवितव्यम, वक्ता, वक्तुम, वक्तव्यम, दध्यत्र, मध्वत्र, पितरर्थम, लाकृति। सभी उदाहरण यहां देखिए, भविता में आपको मूल धातु क्या है या नहीं पता चल रहा होगा, अस धातु है, अस्तेर भू सूत्र लगाया, वही जो यहां मैं यहां उदाहरण दिखा रहा था, अस्तेर भू, यही इस सूत्र का उदाहरण है, वो आगे कैसे वो मैं आपको उदाहरण आगे स्लाइड में दिखाऊंगा। तो अब ये सभी उदाहरण आपको आगे की स्लाइड्स में मिलेंगे, इसलिए यहाँ चिंता करने की कोई बात नहीं। वक्ता, वक्तुम, वक्तव्यम, इसका मैंने नहीं सिद्ध किया, फिर भी ये ब्रुवो वचि है, ऐसा सूत्र है, ब्रु धातु उसको वचि हो जाता है, वचि ऐसा आदेश हो जाता है, षष्ठी है, षष्ठी उस ब्रु के स्थान पर वच हुआ है, तो वक्ता, वक्तुम, वक्तव्यम ऐसा बनेगा। अब भाषार्थ इस सूत्र का क्या है, इस शास्त्र में, व्याकरण शास्त्र में, इस अष्टाध्यायी में अनियत योगा षष्ठी, यानी जिस षष्ठी का कहीं संबंध न जुड़ता हो ऐसी षष्ठी स्थाने योगा, यानी स्थान के साथ संबंध वाली होती है। अब देखिए षष्ठी के अनेक अर्थ हैं, जैसे मैंने बताया था समीप अर्थ भी होता है षष्ठी का, विकार अर्थ भी होता है, और षष्ठी का अवयव अर्थ भी होता है, षष्ठी का स्वस्वामी भाव इत्यादि अन्य अर्थ होते हैं। उनमें से जो उस शब्द से अर्थ, जितने अर्थ संभव हैं, उन सभी अर्थों के प्राप्त होने पर यह नियम किया गया है, ये सभी अर्थ प्राप्त हो जाएंगे। अगर इकाह मतलब एक समीप में हो तो षष्ठी उस यण हो जाता है, ऐसा भी अर्थ होने लगेगा, या एक का विकार, एक विकार हो गया हो तो उसका यण हो जाएगा, ऐसा मतलब अलग अलग अर्थ निकलने लगेगा, सभी अर्थ प्राप्त होने लगेंगे। तो इसलिए यह नियम किया गया है कि जिस षष्ठी का कोई संबंध न जुड़ता हो वह अनियत योगा षष्ठी कही जाती है, और उसके साथ स्थाने शब्द के साथ उसका संबंध हो जाता है, यानी स्थाने ऐसा जोड़ देना है। अब इस सूत्र से जो स्थाने है उसकी अनुवृत्ति 1150 तक, यानी आगे के दो सूत्रों तक जाएगी, वो दो सूत्र हैं स्थानेंतरतमः और उरण रपरः। उन दोनों सूत्रों के अर्थ देखते समय हम क्यों देखेंगे क्यों इसमें स्थाने की अनुवृत्ति गई है, और जो षष्ठी है उस पद की अनुवृत्ति 1154 तक जाएगी, 1154 यानी कि अब उसके आगे भी ये गिंच इत्यादि तक जाएगी। अब देखिए ये सब हो गया इस सूत्र का अर्थ है। अब उदाहरण देखते हैं, भविता, भवितव्यम, ये दो उदाहरण देख लेते हैं। भविता में आप देखेंगे अस धातु और त्रिश प्रत्यय, अस धातु और त्रिच प्रत्यय, त्रिच प्रत्यय में से जो च है उसकी हलंत्यम से संज्ञा होगी और तस्य लोपः से लोप हो जाएगा, तो केवल त्रिच में से क्या बचेगा, ये त्रि बचेगा। उसी तरह भवितव्यम में अस धातु से ही तव्य प्रत्यय है, और वह किस सूत्र से, तव्य तव्यानियर, ये जो त्रिच प्रत्यय है वो अंडल त्रिचक सूत्र से है, और तव्य प्रत्यय है वह तव्य तव्यानियर सूत्र से है। अब अस के देखिए, अब सूत्र लगेगा अस्तेर भूहु, अस्तेर भूहु सूत्र लगता है, वो कहता है अस्ते, यहां षष्ठी लगा है भू,
अस्ते षष्ठी भू, ऐसा अर्थ निकलेगा कुछ। तो षष्ठी का क्या अर्थ है, यानी स्थाने जोड़ देना, षष्ठी स्थाने योगा। सूत्र कहेगा कि ये अनियत योगा षष्ठी यहाँ पर है, तो इसलिए इसके साथ स्थाने जोड़ देना है। तो अस्ते स्थाने भू, अस्थि के स्थान पे यानी अस धातु के स्थान पर भू हो जाता है। तो देखिए अस धातु के स्थान पर भू आ गया कि नहीं, अस धातु के स्थान पर भू आ गया, बिल्कुल आ गया। अस त्रिच के जगह पे अस ये भू त्रिच हो गया। अर्ध धातु प्रत्यय पीछे होना चाहिए, सार्वधातुक नहीं। तो अर्ध धातु प्रत्यय क्या है उसकी परिभाषा मैं बता चुका हूँ, फिर भी यहाँ पर बता देता हूँ। तिप्त झी इत्यादि 18 प्रत्यय और सप इत्यादि सप शानच चानस इत्यादि जो सित प्रत्यय जिसमें श वर्ण की संज्ञा होती है, ऐसे प्रत्ययों के सिवाय जितने भी प्रत्यय हैं वह सब अर्ध धातु प्रत्यय कहे जाते हैं। तिप्त झी इत्यादि 18 प्रत्यय और सित प्रत्यय सार्वधातुक प्रत्यय कहे जाते हैं। तो ये सार्वधातुक तो है नहीं, अर्ध धातुक है। अर्ध धातुक प्रत्यय यदि पीछे हो तो ही अस के स्थान पर भू हो जाता है। तो अस के स्थान पर भू हो गया, कैसे पता चला कि अस के स्थान पर हुआ, क्योंकि षष्ठी स्थाने योगा, षष्ठी का निर्देश हो तो स्थाने ऐसा जोड़ देना और अस्तेह में षष्ठी का निर्देश है। अब इसके बाद भू हो गया त्रिच, इस त्रिच का त्री जो बचा है उससे अर्ध धातु है, इसलिए अर्ध धातु का शेड बला रहे से इट आगम होगा। तो भू इट, इट में से केवल टी हलंत संज्ञा हो जाती है, ई बचता है केवल, तो भू ई त्रि, फिर उसके बाद भू इट का ई और तव्य, फिर भू में जो ऊ है उसका सार्वधातु का अर्ध धातु के से गुण होगा, तो भो हो जाएगा, यहाँ भी भो ई हो जाएगा, भो ई त्रि भो ई तव्य। एचो यवायाव सूत्र से ओ जो है उसके पीछे स्वर है इसलिए उसके स्थान पर अव हो जाएगा, तो भ अव ई त्रि, फिर भ अव ई तव्य, भवित्री बन गया और भवितव्य बन गया जुड़ के। अब इसके बाद आप देखेंगे भवित्रिषु कृतद्धित समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा होगी कृदंत होने के कारण, और फिर सौज समोष्टाभ्याम भिज्ञेभ्याम भस्गेभ्याम भस्गेसोसाम सुप सूत्र से सुप्रत्यय होगा, यहाँ भी सुप्रत्यय हुआ। अब सुप्रत्यय जो यहाँ हुआ उस सु के स्थान पर यह नपुंसक लिंग शब्द माना गया है, इसलिए नपुंसक लिंग शुद्ध होने के कारण और अकारांत होने के कारण यहाँ पर तो अतोम लग गया, अकारांत शब्द पर ही केवल अतोम सूत्र लगता है, ये अकारांत नहीं है ऋकारांत है, इसलिए यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ, यहाँ पर अतोम सूत्र लग गया, सु के जगह पे अम हो गया। यहाँ अतोम लगेगा नहीं इसलिए सु का सु नहीं बचेगा, सु में से जो ऊ है उसका ऊ के उदेश जनराशि संज्ञा हो जाएगी, केवल स बचेगा यहाँ, यहाँ पूरे सु के स्थान पर अम आ जाएगा, अतोम सूत्र। फिर अमी पूर्व से ये अम यदि पीछे हो तो आगे आने वाले अप यानी अ ई ऊ इन तीनों वर्ण इन तीनों वर्णों में पूर्व रूप हो जाता है। तो ये पूर्व रूप यानी ये वाला केवल अ बचेगा, ये वाला अ पीछे वाला आके पूर्व वाले अ में विलीन हो जाएगा, तो भवितव्यम ऐसा रूप बन गया। लेकिन यहाँ जो भवित्र ऐसी स्थिति थी वहां पर रे दुष्णस पुरुदंशो ने हसांच सूत्र लग जाएगा और रे के स्थान पर अनंग कर देगा, तो भवित अनंग ऐसी स्थिति की। अनंग में से ग और अ चला जाता है केवल अन बचता है, तब भवितन स ऐसी स्थिति भी। अब ये जो भवितन है नकारांत शब्द हो गया, इसलिए सर्वनाम स्थाने से असंबुद्ध सूत्र लगेगा और नकारांत की उपधा यानी सेकंड लास्ट वर्ण जो अ है उसको दीर्घ हो जाएगा, तब भवितान स ऐसी स्थिति होगी। फिर इसके बाद यहां पर क्या होगा, ये जो भवितान स हुआ इसमें से स का हल्याभ्यो दीर्घाश्रुति से प्रथम हल सूत्र से लुक हो जाएगा, भवितान केवल बचेगा, न का भी नलोप प्रातिपदिकांत सूत्र से लोप हो जाएगा, भविता बन जाए। अब इस दोनों उदाहरणों में हमको क्या समझना है षष्ठी स्थानी योगा से, यस्तेर भूहु सूत्र से अस्तेह में जो षष्ठी निर्देश किया गया उस षष्ठी निर्देश से पता चलता है कि अस्तेह स्थाने भू आदेश भवति, क्योंकि षष्ठी स्थाने योगा। अब और उदाहरण देखते हैं इसका, इको यणची इत्यादि वाला देखेंगे, मधु प्लस अरी ऐसी स्थिति है, मैंने संक्षेप में बहुत संक्षेप में बनाया है, केवल संधि का विषय ही देखा, मधु प्लस अरी ही, मधु अलग से बनता है अरी ही अलग से बनता है, वो सब बहुत लंबी प्रक्रिया है वो मैंने नहीं बताई, केवल हमारा जो इस सूत्र का विषय है वही हमको दिखाना है। तो मधु प्लस अरी ही लृ प्लस आकृति ही ऐसी इन दोनों स्थितियों में क्या होता है, मधु में जो ऊ है उसके स्थान पर उसके वहां पर इको यणची सूत्र लगेगा। अब इको यणची सूत्र क्या कहता है,
यहाँ इको यणचि सूत्र क्या कहता है वो जानना है हमको, तो इको में इक में जो षष्ठी विभक्ति लगी है वह क्या कहता है वो जानना पड़ेगा। तो षष्ठी स्थाने होगा, षष्ठी क्या होती है स्थाने के साथ जुड़ जाती है। यदि इस षष्ठी का कोई विशेष अर्थ ना हो तो इका में जो षष्ठी उसका और कोई दूसरा योग है नहीं, इसलिए इसके साथ स्थाने जुड़ जाएगा। तो इका स्थाने यण, इक यानी ई उ रिल्री के स्थान पर यण यानी यवर अला कर देगा, तो ऊ के स्थान पर क्या कर देगा वह करेगा। ये ऊ के स्थान पर ही वह हुआ ऐसा क्यों पता चला, षष्ठी स्थाने ही होगा। षष्ठी विभक्ति कहीं भी होती है तो वहां पर स्थाने जुड़ जाता है, तो इकह में षष्ठी है इसलिए इकह स्थाने ऐसा हमको पता चल गया। तो इकह यानी ई उ रिल्री इत्येतेषां स्थाने, इन चार वर्णों के स्थान पर, तो ई उ रिल्री इन चार वर्णों के स्थान पर यण होता है यानी अवर अला होता है, ऊ के स्थान पर वह हो जाएगा, ई के स्थान पर या ऊ के स्थान पर वह, ऋ के स्थान पर र और लृ के स्थान पर ल होता है। यहाँ भी लृ था उस लृ के स्थान पर ल हो गया, ऊ के स्थान पर वह हो गया, तो मध व अरि ही मध्वरी बन जाएगा, ल लृ के स्थान पर ल आया आकृति ही लाकृति ही बन जाएगा। इन दोनों में केवल क्या देखना था कि षष्ठी विभक्ति जो इकह में लगी है उसका अर्थ होता है स्थाने, स्थाने उसके साथ जुड़ जाएगा, तो इकह स्थाने यण यानी इक के स्थान पर यण होता है यानी ईउ रिल्री के स्थान पर यवर अल होता है। अस्तु आज के सूत्र में इतना ही, केवल यह देखना था आज के सूत्र में हमको कि ऐसा इक जिसका और कोई विशेष, ऐसी षष्ठी विभक्ति जिसका कोई विशेष अन्य अर्थ निर्दिष्ट ना हो वह षष्ठी विभक्ति का अर्थ यदि निकालना है तो उसके साथ उसको स्थाने जोड़ देना है। इसका बहुत सारे और भी बहुत सारे प्रयोग हैं, वो सब विस्तार से चर्चा आगे के दो सूत्रों में भी किया जाएगा उसका। अस्तु आज इतना ही, पूरा सूत्र देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।